सो ही गाइस यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यार वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर एस को कॉल ऑफ सीजन में मेगा स्टोन मिलता। तो यार आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड यार वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली। हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली, तो समय की खोटा कर राबे मवाली। घर वालों से खारे लगाली, इज्जत की माँ की आंख नाक में भी बाली। तो गाइस तुमने तो देखा ही होगा कि जो एस है वो कभी चैंपियन नहीं बना, पर जो सारे रीजन है उसमें जो हमारा एस है उसका परफॉर्मेंस ग्रो होता रहा है। तो गाइस अगर कालोस रीजन की पोकेमॉन टीम की बात करें तो शायद ही उससे बेहतर कोई टीम होगी। तो उसके सारे पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व पिकाचू को छोड़कर, पिकाचू, डैनफॉल, गुड्रा, हाउलूचा, ग्रेनिंजा, टोयन जैसे बहुत ही बढ़िया टीम लेकर कॉलेज रीजन में चैंपियनशिप में जीतने के लिए निकल पड़ा। पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो बंदा हार गया, क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तो गाइस इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है, तो हम हमारे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे स्टोरी में एस कालोस रीजन में निकलता है, उसके बाद अपने एक एक करके सारे पोकेमॉन पकड़ लेता है। तो गाइस कालोस रीजन में ही मेगा एवोल्यूशन रिलीज हुआ और इंट्रोड्यूस करवाया गया था, पर उनके स्टार्टर पोकेमॉन ही मेगा एवोल्व नहीं हुए। मगर जो एस का स्टार्टर पोकेमॉन था ग्रेनिंजा, वो बॉन्ड इवॉल्व हो गया एस के साथ और वो बन गया एस ग्रेनिंजा। तो रीजन के थर्ड जिम लीडर के पास मेगा एवॉल्व पोकेमॉन था जो है मेगा लुकारियो, और जिम लीडर थी कोरिना। तो गाइस कोरिना के साथ हमारे एस को भी मेगा स्टोन मिल जाता है, और गाइस जो एस है वो अपने चारिज़ार्ड को वापस बुलाता है। गाइस कोरिना के साथ मैच में कोरिना अपने लुकारियो को मेगा एवॉल्व कर देती है, और गाइस एस भी अपने चारिज़ार्ड को चारिज़ार्ड वाई में इवॉल्व कर देता है। गाइस बैटल इतना ज़बरदस्त होता है कि बट यार जो एस का चारिज़ार्ड वाई होता है वो कोरिना के लुकारियो को हराकर जिम बैच जीत जाता है। तो गाइस बाकी जिम लीडर भी बहुत ही खतरनाक थे, पर यार जो एस है वो सारे बैच जीतने के बाद फाइनली पहुंच गया है कालोस लीग चैंपियनशिप में। तो गाइस उसका मुकाबला हुआ दो चार ट्रेनर से, तो गाइस वो लड़ता गया। गाइस बाद में उसकी मुलाकात हुई सेवियर से, सेवियर तो को तुम तो जानते ही होगे। तो यार सेवियर को पछाड़ने के बाद उसने उसके सामने आता है हैंडसम गाय एलान, और फिर उससे बहुत ही बढ़िया फाइट होती है, शायद इससे बढ़िया फाइट कभी नहीं हुई होगी। तो गाइस हमारे स्टोरी में एलान का चारिज़ार्ड एक्स और एस का ग्रेनिंजा, और एस का ग्रेनिंजा हार जाता है। मगर दोस्तों इस स्टोरी में एस के पास एक और पोकेमॉन बचा है, तुम लोग बता सकते हो कि वो कौन सा पोकेमॉन है? तो वो है चारिज़ार्ड वाई। तो गाइस एस अपने चारिज़ार्ड को चारिज़ार्ड वाई में मेगा एवॉल्व करता है, और गाइस जो एलायन का चारिज़ार्ड एक्स है और एस का चारिज़ार्ड वाया के बीच बहुत खतरनाक फाइट होता है। तो गाइस इस फाइट में एलान का चारिज़ार्ड एक्स हार जाता है, और जो हमारा एस है वो कालोस रीजन का चैंपियन बन जाता है। तो गाइस ये थी हमारी स्टोरी, और ये हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर कर देना। तो यार अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।